प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। संभल के। शुभम, सच में क्या मस्त घोड़ा है नींद। हाँ। ऐसा लग रहा है अभी एकदम रेस में दौड़ने लगेगा ऐसे। अरे ऐसा दौड़ेगा कि पहले नंबर पे आएगा। हाँ, टू गुड। संभल के, संभाल के, एकदम संभाल के रखना। मैं टेप लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं रास्ते में ही लगा दूंगा। संभाल, संभाल के ले जाना। हाँ, थैंक यू जेठा भाई। अरे मूर्ति टूटे नहीं, ध्यान से। हाँ, गए और हम बच गए। अंजलि, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा, मैं जेठालाल को जाके सब सच बता देता हूं, जो होना होगा सो होगा। अंजलि, लगता है जेठालाल आ गया। ऑल द बेस्ट। अय्यर, तुम इस वक्त? मैं दादा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ ये बताओ, क्या हुआ? आओ। हाँ बोलो। क्या है मैं दादा, आज मेरे हाथ से एक छोटा सा गलती हो गया। छोटा सा नहीं, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। क्या हुआ, क्या ये? नहीं दादा, आप तो राइटर हैं। अरे तो मैं राइटर हूँ, मतलब मैं तुम्हें गलती, मिस्टेक, फॉल्ट, एरर, त्रुटि सारे के सारे पर्यायवाची बताओ। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ मैं दादा, कि जेठालाल का जो पार्सल था ना, उसमें एक घोड़ा था, ब्लैक हॉर्स का स्टैचू था। वो मेरे हाथ से टूट गया। क्या? अय्यर, वो मूर्ति तुमने तोड़ दी? आई मीन, तुमने वो मूर्ति तोड़ दी? हाँ मैं तो था कि मैं जेठालाल का पार्सल लेकर स्टेयर गेस पर जा रहा था तो। और आए तो वो मूर्ति टूट गया। ओह गॉड, क्या अय्यर तुम भी? और मैं समझ रहा था कि अय्यर भाई, डॉक्टर आदि। अरे डॉक्टर आदि, आप तो बाहर जाने वाले थे। नहीं जा पाया, लेकिन आपके घर पे गया था, वहां पता चला आप मेहता साहब के घर पे हो तो यहाँ आ गया।
अय्यर भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे सिर पे एक बोझ है। तो ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साथी? वो क्या है ना मेहता साहब, आज मेरे पास एक जेठा भाई का पार्सल आया था, गलती से मेरे से टूट गया। क्या वो हुआ यूं? सॉरी अय्यर भाई, मेरी गलती का मेरे दिल पे मेरे वजन से ज्यादा बोझ। आई कैन अंडरस्टैंड। पता नहीं अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब जेठा भाई से ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मेहता साहब, अब आप ही कुछ मदद करो। देखिए डॉक्टर आतिब। वो आतिब रहा, कहाँ घूम रहे हो यार? मैं तुम्हारे घर गया था, पता चला आप अय्यर के घर गए। अय्यर के घर गया तो बबीता जी ने बताया आप यहाँ मेहता साहब के घर आए हो। सोडी, मैं तो कुछ काम से आया था, पर तुम किस काम से आए हो? आज मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती होगी और इसके लिए मैं ये सॉरी कार्ड भी लेके आया हूँ। सॉरी कार्ड? सॉरी का कार्ड किसके लिए? तो यार अपने जेठा पर आके लिए। जेठालाल के लिए सॉरी का कार्ड क्यों? वो क्या है ना, तड़क 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 तड़क। क्या जड़ी तड़क तड़क तड़क, थोड़ा खुल कर बोला। अरे यार, वो जेठा परा का कोई पार्सल हमारे घर पे आया था और उसके अंदर एक घोड़े की मूर्ति थी, वो बाय मिस्टेक मुझसे तड़क तड़क तड़क। हाँ? छोटी, वो घोड़ा तुमने तोड़ा और मुझे चिपका दिया, ये तो गलत बात है। आई एम सॉरी हाथी परा, मैं सुबेरे से बहुत टेंशन में हूँ और मालूम है ये टेंशन मुझे खाए जा रही है। एक घुट पानी नहीं पिया मैंने, आप सबके सामने तो सच बोल दिया, अभी जेठा पर आगो सच कैसे बोलूं? ओ मेहता साहब, आज आप प्लीज मेरे भी फायर ब्रिगेड बन जाइए ना, तो बताइए अभी क्या करें? वो तुम्हारी सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी आ गए, उन्हीं से पूछ लेते। ए? आप सब लोग यहाँ पे एक साथ? हाँ बेटा, सबको इकट्ठा होना पड़ा क्योंकि तुम्हारे हाथों से वो जेठालाल के पार्सल की मूर्ति टूट गई थी ना, इसलिए। आपको कैसे पता चला? बताइए ना, आपको कैसे पता चला? वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ बेटा कि मुझे कैसे पता चला। तो देखा दोस्तों, ये है गंगोत्री, यहाँ से निकली है मूर्ति की गंगा। भाई बेटे, तुमसे मूर्ति टूटी और तुमने चिपका के दे दी सोढ़ी को, सोढ़ी से भी गलती से वो मूर्ति टूट गई, तो सोढ़ी ने दे दिया डॉक्टर हाथी को। अब भाग के देखिए कि डॉक्टर हाथी के पेशेंट से भी वो मूर्ति टूट गई, उन्होंने चिपका के दे दिया अय्यर साहब को, और अय्यर साहब ने ढूंढा मुझे और मुझे चिपका दिया। देवा। लेकिन अब क्या करेंगे? करेंगे क्या, हम सारे लोग जाएंगे और जेठालाल से माफी मांगेंगे। मेहता साहब, हम सब लोग तो ठीक है, लेकिन आप क्यों जेठालाल से माफी मांगेंगे? अरे मुझे तो सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए अय्यर, क्योंकि भिड़े के घर से ये जो झूठ की गंगा भाई, इसमें मैंने भी अपने हाथ धो लिए। आप भी? कभी? अरे हुआ यूं अय्यर कि जब तुम वो बॉक्स रख के गए, तुमने लैपटॉप पे इस तरह से रखा था कि मुझे निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, जैसे ही मैंने खींच के निकाला वो बॉक्स गिर गया और टूट गया। जब देखा कि इतनी महंगी मूर्ति है तो मैं भी तुम लोगों की तरह बेवकूफी कर बैठा और जिंदगी में पहली बार अपने परम मित्र के साथ बेईमानी की और वो मूर्ति चिपका के मैं उसके घर देके आ गया। और वो मूर्ति असल में सुंदरलाल के दोस्त की है जो अब लेने आ रहा होगा। अरे बाप रे, फिर तो हम तीनों के गुनाहगार हो गए, जेठा भाई, सुंदर और सुंदर का दोस्त। एक काम करते, हम सभी जाकर जेठालाल से माफी मांगते, क्या हम सब जाकर माफी मांगेंगे ना, तो क्या है उसका गुस्सा बट जाएगा और इससे हम सबका प्रायश्चित भी हो जाएगा। सही बात है। हाँ चलो भाई, चलो चलो यार। मैं क्या कहती हूँ, एक बार फोन करके सुंदर को सब सच बता दे। जरूर। फोन। अभी नहीं, फिर कभी। अच्छा मौका मिलते मैं खुद उसे फोन कर दूंगा। अच्छा मौका फिर कहाँ मिलेगा?
जेठालाल। अरे मेहता साहब भाई आइए। अरे आतिफ भाई भिड़े हरिहर भाई आइए 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 बैठिए ना। नहीं नहीं यही ठीक है। क्या बात है आप सब लोग कुछ टेंशन में लग रहे हो? जेठालाल असल में तुमसे एक बात करनी थी। जेठालाल जो पार्सल में लेके आया था ना तुम्हारे घर पे उसमें जो मूर्ति थी जेठालाल वो मेरे हाथ से टूट गई थी। क्या? हाँ जेठालाल और मूर्ति टूटने के बाद मैं इतना टेंशन में था कि मुझे लगा मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा तो मैंने उस मूर्ति को चिपका दिया और चिपका के पार्सल ज्यों का त्यों पैक करके तुम्हें वापस दे दिया। मतलब मेहता साहब आपने मुझे टूटी हुई मूर्ति दी? एक्चुअली जेठालाल क्या हुआ कि मेहता साहब से पहले वो मूर्ति मेरे हाथ से टूट गया था। क्या क्या? जेठा भाई वो अय्यर भाई से पहले वो मूर्ति मेरे एक पेशेंट से टूट गई थी। ओ जेठा प्रा हाथी प्रा से पहले वो मूर्ति बाय मिस्टेक मुझसे टूटी थी। यार ये लो कार्ड। कार्ड? ये सॉरी कार्ड है। आई एम सॉरी। ओ पिडू तू नहीं बोलेगा? हाँ बोलूंगा ना। एक्चुअली जेठालाल थोड़ी से पहले वो मूर्ति मेरे से टूटी थी। आई एम सॉरी। एक मिनट आप लोग क्या बोल रहे हो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जेठालाल मैं समझाता हूँ। हाँ प्लीज। असल में हुआ यूं कि सबसे पहले वो जो पार्सल है वो और इस तरह से वो पार्सल मैं तुम्हें देके गया। मतलब कुल मिलाकर मूर्ति कितनी बार टूटी? पांच बार। पांच बार नहीं मेहता साहब छह बार। नहीं नहीं पांच। छठी बार मुझसे टूटी। क्या? वो मेहता साहब आप मुझे मूर्ति दे गए ना? हाँ। तब पर जेठा भाई आपसे मूर्ति कैसे टूटी? अरे वो क्या हुआ कि जेठा ब्रा ओ वेलकम टू तोड़फोड़ क्लब। थैंक यू जी थैंक यू। हम गोकुलधाम वासी एक साथ मिलकर त्योहार मना सकते हैं तो एक साथ मिलकर तोड़फोड़ नहीं कर सकते? सही बात है। लेकिन जेठालाल अब तुम सुंदर के दोस्त को जवाब क्या दोगे? हाँ मेहता साहब उसको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। मैंने उसको मूर्ति दे दी। मतलब कैसे? आप लोगों की तरह चिपका कर और उसे बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन हमारी अंतरात्मा को तो पता है ना कि हमने गलत किया है। बिल्कुल ठीक कहा है भाभी। देखो जेठालाल गलती तो सबसे हो जाती है हम सबसे हुई लेकिन सामने वाले का नुकसान करके उस गलती को छुपाना तो गलत बात है। ये तो अपराध है। अरे गलती स्वीकार करने का साहस हिम्मत वालों में होता है और जब गलती करें तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है मैं सुंदर को फोन करके सारी हकीकत बता देता हूं। यस। नहीं जेठालाल हम सब मिलकर सुंदर से माफी मांगेंगे। मूर्ति तोड़ने में हम सबका भी योगदान है। आप सुंदर भाई को फोन कीजिए लेकिन फोन स्पीकर पर रखिएगा। बहुत मजा आया उस बार तो। अरे माय डियर जीजा जी का फोन। हेलो माय डियर जीजा जी मेरे दोस्त को पार्सल दे दिया? हाँ सुंदर वो तुम्हारे दोस्त को पार्सल दे दिया है। लेकिन लेकिन
लेकिन क्या जीजा जी? वो जो पार्सल में मूर्ति थी ना, वो थोड़ी मुझसे टूट गई। क्या ये क्या कह रहे हो जीजा जी? जीजा जी आपको एक मूर्ति संभालनी नहीं आती? अरे 80,000 रुपए की मूर्ति थी, अरे तोड़ने से पहले सोचना था। अरे भाई वो जानबूझ के थोड़ी तोड़ी है, वो गलती से टूट गई। अरे आपने तोड़ी या गलती से टूटी, जो भी है मूर्ति तो टूट गई ना। अब उसका नुकसान कौन भरेगा? हम सब भरेंगे भाई। सब लोग मिलकर भरेंगे। अरे जीजा जी आपने एक मूर्ति तोड़ने के लिए कितने लोगों को बुलाया है? अरे सुंदर हेलो, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। हुआ यूं, ये है सारी कहानी। सुन लिया भाई, तो ये जो तुम्हारा नुकसान हुआ है वो हम सब मिलकर भरपाई कर देंगे, तुम बस खाली हम सबको माफ कर दो ताकि हमारे सर पर ये जो बोझ है वो हल्का हो जाए। प्लीज प्लीज सुंदर भाई, सॉरी सॉरी। हाँ सुंदर, हम सबकी ओर से सॉरी। सुंदर भाई सॉरी। एक मिनट जीजा जी, राकेश ने आपको मूर्ति के 80,000 रुपए दिए? अरे नहीं भाई नहीं, एक रुपया नहीं दिया उसने, और उसने पैसे की कुछ बात ही नहीं की है भाई। बस तो फिर आप सब लोग टेंशन मत लो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। आप लोगों को मुझे एक रुपया भी नहीं देना है। क्या मतलब? ना भाई ना बोल रहा तो मतलब क्यों पूछ रहे हो भाई? नहीं देना है, नहीं देना। एक मिनट वीरा, मतलब सारा नुकसान तू अकेला भरेगा? अरे नहीं बेना, दरअसल बात क्या है कि वो राकेश अहमदाबाद आया था, तब उसने ये घोड़े की मूर्ति देखी थी। हाँ। और फिर मुंबई पहुंचकर उसने मुझे कहा, यार सुंदर वो मूर्ति तू दुकान से खरीद कर मुझे भेज दे, मैं फौरन पैसे भेज दूंगा। लेकिन मुझे डाउट था कि शायद वो पैसे नहीं भेजेगा, और इसीलिए मैंने उसके बदले आपके पते पे पार्सल किया, और उसको 80,000 की ओरिजिनल मूर्ति की जगह 800 रुपए की डुप्लीकेट मूर्ति पार्सल कर दी। ये डुप्लीकेट मूर्ति थी भाई 800 रुपए की, 80,000 की नहीं। और मैंने उसको फोन करके बोल दिया कि मैंने जीजा जी के पते पे मूर्ति भेज दी है, तुम उनको 80,000 रुपए दे के मूर्ति ले लेना। तो उसने कहा हाँ मैं माय डियर जीजा जी को पैसे दे दूंगा। खोदियो पहाड़ ने निकले उंदर। अरे डोंगर बकुल उंदर निकाला क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। अरे एक एक आइए बजा, शांति रखिए एक मिनट। अरे सुंदर तो मुझे ये बता, अगर वो राकेश ने सचमुच इधर 80,000 दे दिए होते तो उसी 80,000 से ओरिजिनल मूर्ति खरीद कर उसे लंदन भेज देता। और लंदन भेजने का कुरियर का खर्चा कौन देता? आप। मैं क्यों दूँ ले? अरे जेठालाल, राकेश ने 80,000 रुपए दिए नहीं है, मूर्ति हमें लंदन भेजनी नहीं है, फिर क्या मैं क्यों दूँ? ये क्या हो रहा है? चलो 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 माय डियर जीजा जी, माय डियर बेना, सब लोगों को गुड नाइट, बाय बाय। बाय वीरा भाई। ओके भाई ओके, गुड नाइट। चलो जेठालाल, अंत भला तो सब भला। सही बात है मेहता साहब, हमारे दिल से बोझ उतर गया। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। और नुकसान का पैसा देने से बच गए हम लोग भाई। भीड़ भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है अगर नियत अच्छी हो तो सब अच्छा ही होता है। आपकी माँ बिल्कुल ठीक कहती है दया भाभी, के आदमी की नियत तो साफ होनी चाहिए। देखिए ना, आज भी हम सबको पता चल गया कि अगर आदमी से गलती हो जाए तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। सही बात है। चलो बस चलो, भी फोन करके कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम मंगा, जरा पार्टी वार्टी करते हैं। जल्दी मंगाइए। दोस्तों जिंदगी में हर आदमी प्यार भी करता है और गलती भी करता है। प्यार करना या गलती करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है प्यार को निभाना और गलती को स्वीकार करना।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती कर लें और सोचे कि स्वीकार कर लेंगे। जानबूझ के की जाए वो गलती नहीं होती, अपराध होता है। अब देखिए ना, गोकुलधाम में हम सब ने गलती की, मूर्ति टूट गई हमसे, लेकिन हमने देर से ही सही लेकिन स्वीकार कर लिया। वरना जिंदगी भर ये बोझ रहता कि हमने इतनी महंगी मूर्ति तोड़ दी और तोड़ने के बाद चिपका के दे भी थी, लेकिन हमने गलती स्वीकार कर ली। हमारे दोस्त हैं चिंतन चाचू भाई, उन्हें इतनी चिंताएं हैं जमाने भर की पूछिए मत। एक रुपए की चिंता भी एक लाख की तरह करते हैं और सर पे जितने बाल नहीं है उससे ज्यादा चिंताएं लेके घूमते हैं। आप मिलना चाहेंगे ऐसे अजीबो गरीब किरदार से? डोंट वरी। जी हाँ, डोंट वरी चाचू, ये है नए शो का नाम जो सब टीवी पे आने वाला है सोमवार से शुक्रवार ठीक रात 7:30 बजे। आप मिलिए वहां चिंतन चाचू से। डोंट वरी चाचू भाई जमाने भर की चिंताओं को दूर करके हंसी फैलाने का काम कर रहा है सब टीवी। जब भी चिंता में हो सब टीवी देख लीजिए और देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि यहाँ क्या होने वाला है नया। सुना है कि नवरात्रि में यहाँ गोकुल धाम में डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक आने वाली है। भाई अब ये सच है या मजाक, ये तो तब पता चलेगा जब आप देखेंगे अगला एपिसोड। इंतजार कीजिए डांडिया क्वीन का। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।